हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में इनकी आईब्रोज करते हैं हम। देखिए इनकी आईब्रोज पहले कैसी है और बनाने के बाद ये इतनी प्यारी लग रही थी, आपने आगे देखा मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले आईब्रोज को ड्राई कर लेंगे पाउडर लगाकर, उसके बाद फिर हम आईब्रोज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से पहले मैंने स्ट्रेच करवा लिया है जिससे कि स्किन बिल्कुल टाइट हो जाए और आईब्रोज अच्छी बने। और अब मैं ऊपर की आईब्रोज को क्लीन करने वाली हूँ। तो धागा पकड़ना मैंने आपको बता दिया था और कई आईब्रोज की भी मैंने वीडियोस दी है आपको, जिससे आप लोगों ने काफ़ी सीखा है। और इस वाली आईब्रोज को भी देखिए आप, काफ़ी लंबी और बहुत खूबसूरत आईब्रोज है इनकी। तो इसके बाल भी कैसे निकालने हैं और कैसे आर्क शेप देना है। और यहाँ पे जो आईब्रोज बना रही हूँ मैं, वो गर्दन में धागा लगाकर बना रही हूँ, क्योंकि टाइम आजकल कैसा है आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से ये पूरी कंप्लीट आईब्रो बनाई है मैंने और बहुत खूबसूरती से ये आईब्रो बनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे, बस 3 बार मेरा धागा इसमें टूटा है जो कि मुझे फिर से लगाना पड़ा। और पूरी आईब्रो मैंने इस तरह से बनाई है, बस थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लग गया क्योंकि प्रैक्टिस तो माउथ में लेके बनाने की है, लेकिन नेक में धागा लगाकर बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी नीटली आईब्रोज बन गई। बस थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखो थोड़ा सा मेरा हाथ कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है, जैसा कि माउथ में धागा लेके बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब नीचे की आईब्रोज, तो धागा नीचे को है, कितना नीचे को है देखो आप, और बिल्कुल आर्क शेप जाएगी इसकी। बहुत ही सुंदर आईब्रोज, बहुत खूबसूरती से बनी है और ये जो है ना आर्क शेप में जाएगी। तो धागा देखो कितना नीचे है मेरा हाथ, और ये देखो कॉर्नर की बालों में को मैंने निकाल लिया, यहाँ इसको बोल सकते हो आपकी हल्का सा कट लगा लिया जिससे कि आर्क शेप आ जाए। और अब देखो कि यहाँ से धागा मेरा टर्न होगा, तो अभी धागा आगे की ओर झुका है, उसके बाद धागा जो है उठ जाएगा और ये पीछे की ओर झुकेगा। तो ये कॉर्नर के बालों को मैं निकाल रही हूँ। अब देखो धागे की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई और नीचे के बाल अब मैं निकाल रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियोस देखते बहुत हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी को भी ज़रूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे नोटिफिकेशन आ जाएगा सॉरी। और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आप मेरे आईब्रोज, मेरे जो जितने भी वीडियोस मैं डालूँगी आप उसको प्रॉपर देख सकेंगे। तो ये देखिए ये वाली आईब्रोज लगभग कंप्लीट हो गई। अब देखिए कि कैसी बनी है ये आईब्रो, अच्छी बनी है ना। अब मैं सारे बालों को कॉटन की सहायता से क्लीन कर दे रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ये इस आईब्रोज को। अब थोड़े बहुत बाल रह गए हैं तो उसको मैं फिर से निकालने वाली हूँ। तो कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए काम करने में, बहुत आराम से काम करें आप और धीरे धीरे आपको आईब्रोज बनाना आता चला जाएगा। बस स्टार्टिंग करनी है और प्रैक्टिस करते रहनी है। कैसे भी आस पड़ोस के बाल निकालिए, अपने घरों में घर से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको आईब्रोज बनाने आ जाएंगे। अब नीटनेस लाने के लिए थोड़ी सी साइड के भी बाल निकाले हैं मैंने और इस तरह से आईब्रोज को मैंने बना दिया है। तो देखोगे कितनी प्यारी लग रही है आईब्रो। अब हमें क्या करना होता है ना, साइड का लेंथ यानी कि लास्ट जो छोर है आईब्रोज की, उसकी लेंथ हमें कम नहीं करनी पड़ती है। और आईब्रोज बनाने के बाद ये इस तरह से कैंची को सटा के कटिंग कर दी है मैंने। कैंची को भी आगे की तरफ झुका हुआ रखिए जैसे कि आगे की कटिंग जो है ना प्रॉपर हो। अगर आप कैंची को भी उठा के कटिंग करते हैं तो आगे के बाल ना थोड़े से कट जाते हैं। अब सेंटर के बालों को निकाल रही हूँ मैं। सेंटर के बालों को निकालने के बाद फिर मैं दूसरी वाली आईब्रोज को बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए दूसरी वाली आईब्रोज को भी ऊपर से निकाल रही हूँ मैं, और ऊपर से निकालने के बाद फिर नीचे को बनाना शुरू करूँगी मैं। तो ये देखिए ऊपर की आईब्रोज नीचे से स्ट्रेच करवा लिया है, ऊपर से भी हल्का सा पकड़वा लिया है, जिससे स्किन जितनी ज़्यादा स्ट्रेच होए ना उतना अच्छा है, आईब्रोज उतनी मस्त बनेगी और पेन उतना ही कम होगा। तो इस तरह से
ऊपर की भी शेप ले रही हूँ मैं, और ऊपर की शेप लेने के बाद मैं नीचे की आईब्रोज़ बनाऊंगी। तो मेरे चैनल पे ना बहुत सारी वीडियोस बनी हुई रखी है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आपको जिस टाइप की वीडियो देखनी हो ना, उस वाले प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। हेयर्स कटिंग की वीडियो देखनी हो तो कटिंग की प्लेलिस्ट है, थ्रेडिंग की वीडियो देखनी हो तो थ्रेडिंग के प्लेलिस्ट हैं। इस तरह से बहुत सारे प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखे हैं आपकी सुविधा के लिए, तो आप उन पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भी डाल दिया करती हूँ अपने वीडियोस में, तो मैं लिंक डाल दूँगी, और आई बटन पे भी लगा दिया करती हूँ मैं। देखो कितनी प्यारी आईब्रोज है और कितनी स्मूथली बन रही है गर्दन में भी लगा करके। तो इस तरह से बाल आप निकालते चले जाएँ, और धीरे धीरे करके आपके सारे बाल धागे में आ जाते हैं और निकलते चले जाते हैं बाल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे धागा एक टूटा है, और शुरू में एक दो बार टूटा था धागा हमारा, तो फिर इसको हमने फिर से बांध लेना है गर्दन में, और इसी तरह से करना है। इसमें क्लाइंट की भी सेफ्टी है और आपकी भी सेफ्टी है। तो सारे बाल निकल गए हैं, काफ़ी सुंदर और लंबी आईब्रोज है इनकी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आईब्रोज बनाएं तो लेंथ को कम ना करें, क्योंकि इंडिया में ना लंबी आईब्रोज लोग बहुत पसंद करते हैं। फॉरेन में तो छोटी आईब्रोज करवा लेते हैं, साइड से निकलवा भी लेते हैं लोग, लेकिन इंडिया में ना लंबी आईब्रोज काफ़ी पसंद करते हैं। और घनी खूबसूरत लंबी आईब्रोज जो है सुंदरता की निशानी मानी जाती है, इसलिए हमने कट नहीं करना है साइड। और अब इसमें भी कैंची को झुका के काटना है। देखो कैंची को झुका दिया मैंने, और उससे मैंने कटिंग कर डाली। और अब फिर ऊपर थोड़ा और नीट करना है हमने, तो ऊपर से इस तरह से धागा को दबा के नीट करना है। और अब चलते हैं साइड की ओर। तो साइड में देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा बाल रह रहा है, तो इसको हमने बहुत केयरफुली निकालनी है जिससे कि हमारा साइड नहीं कटे। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड के बालों को भी निकाल दिया, और अब जो है ये आईब्रोज भी कंप्लीट हो गई। आईब्रोज कंप्लीट हो गई, कैसी लग रही है ज़रूर बताना हमें। और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ, अपने वीडियोस में मेंशन कर देती हूँ मैं। और दूसरी बात क्या है ना कि आईब्रोज बनाने के बाद मसाज करना बिल्कुल भी ना भूलें आप, बहुत रिलैक्स होती है स्किन। और मसाज करने के बाद ना आपकी शेप जो है आईब्रोज की वो उभर कर दिखने लगती है। तो यहाँ पे मसाज करा है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।